अमेठी के आरिफ और सारस के दोस्ती के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, आपको उनके बिछड़ने की कहानी भी पता होगी। आज यानी मंगलवार को आरिफ फिर से अपने दोस्त से मिलने कानपुर चिड़ियाघर पहुंचे। आरिफ को सारस का क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद उससे मिलने की इजाजत दी गई थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सारस आरिफ को देखकर खुशी से बाड़े में उछल कूद करने लगा। जैसे ही सारस ने आरिफ को देखा वो अपनी चोंच निकालते हुए अपने पंख को फड़फड़ाने लगा और बेचैन होकर इधर उधर जाने लगा, मानो कि आरिफ से मिलने की खुशी जाहिर कर रहा हो। आरिफ ने सारस को जब कहा कि उछल कर दिखाओ तो सारस बाड़े में ही उछलने लगा। इतना ही नहीं, जाते जाते आरिफ ने सारस से कहा कि जा रहे हैं, आएंगे फिर बहुत जल्दी। आरिफ और सारस के बीच की यह मुलाकात कुछ मिनट की ही थी। इस दौरान आरिफ के साथ सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी भी मौजूद रहे। बीते सोमवार को आरिफ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा था कि यूपी सरकार सारस को आजाद कर दे। सारस को 25 मार्च को कानपुर जू लाया गया था। उसे 15 दिन क्वारंटीन में रखा गया। 9 अप्रैल को सारस का क्वारंटीन पीरियड पूरा हुआ तो उसे जू के ही बाड़े में शिफ्ट किया गया है। इससे पहले भी अखिलेश यादव 27 मार्च को सारस से मिलने कानपुर जू पहुंचे थे। उस समय सारस के क्वारंटीन होने के चलते अखिलेश यादव को सीसीटीवी के जरिए सारस को दिखाया गया था। उस वक्त अखिलेश यादव के साथ आरिफ भी मौजूद थे।